नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी है। इस घटना में आपको बता दें कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के वन विभाग के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के वन विभाग के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हमीरपुर से आपको बता रहे, जहां पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस बड़ी खबर, 5 अगस्त को निकलेगी समाजवादी साइकिल यात्रा। प्रदेश में तहसील स्तर पर निकलेगी साइकिल यात्रा। अखिलेश यादव लखनऊ में चलाएंगे साइकिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की विफलताएं लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर, 5 अगस्त को समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश में तहसील स्तर पर ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल चलाएंगे और इस दौरान सरकार की विफलताओं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। इसी बीच बड़ी खबर, सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। सीएम विकास कार्यों की भी समीक्षा कर सकते हैं, कानून व्यवस्था की भी सीएम समीक्षा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। वहीं सीएम कानून व्यवस्था की भी समीक्षा कर सकते हैं और आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है और इस दौरान वो कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रमों की भी समीक्षा करते हुए कई चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। जिला पंचायत ब्लॉक अध्यक्षों से मिलेंगे और लखनऊ से मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर 7 अगस्त को लखनऊ में मुलाकात भी करेंगे और कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। जिला पंचायत ब्लॉक अध्यक्षों से भी वो मुलाकात करेंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी राष्ट्रीय महासचिव भी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा, 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे नड्डा। शेयर बाजार गुलजार, 54,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। रायबरेली में अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ, दबंगों ने पुलिस के सामने लहराए असलहे। अलीगढ़ का एमयू कैंपस गोलियों की आवाज से गूंजा, दोस्त ने ही दोस्त को मार दी गोली।
नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। शाहजहांपुर में उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान चलाकर कार्रवाई करने में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एआरटीओ प्रवर्तन और सीओसीटी महानगर यातायात प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अभियानों में दर्जनों ध्वनि प्रदूषण करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो भी बुलेट या जो अन्य वाहन है जो कंपनी में निर्मित होते हैं, इसके अलावा जो अन्य प्रकार साइलेंसर लगा लेते हैं, उसी पर कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ साहब ने बताया कि उच्च न्यायालय के ऑर्डर के कंप्लायंस में ये संयुक्त रूप से हम लोग का अभियान है जो कि अगले लगातार चलता रहेगा। इसमें जो ध्वनि प्रदूषण के लिए मेनली इसको देखा जा रहा है, साइलेंसर लगा लेते हैं या डेक लगा लेते हैं। कल हम लोग कुआया में कल परसों में जो ट्रैक्टर पे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डेक लगा ले रहे हैं, उससे कई तरह के एक्सीडेंट। सिद्धार्थनगर जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया है, जिसमें हर ब्लॉकों में 4000 वैक्सीनेशन के लक्ष्य रखा गया। और इसी महाअभियान की जांच करने जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा के कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही पहुंचे हैं और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। विधायक ने लोगों से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी भी ली है। आज पूरे विश्व उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत गांव स्तर पे जो सामुदायिक केंद्र और यहाँ सामुदायिक केंद्र नए ऐसे जो हमारे सरकारी भवन हैं उन सब में ये व्यवस्था किया गया है। और टीकाकरण आज सामुदायिक केंद्र जोगिया पे मैं स्वयं आया हूँ और यहाँ टीका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है, अभी मैं सीएमओ से फ़ोन किया हूँ कि तुरंत दवा का यहाँ व्यवस्था हो। और इस केंद्र के जो प्रबंधक माने जो डॉक्टर मेन डॉक्टर हैं, अधीक्षक जो हैं, ये स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस गोली की आवाज से गूंज उठा। मोहम्मद खालिद अली के बताए अनुसार एएमयू में 12वीं के पास आउट अरमान नाम के युवक को गोली मार दी गई। मोहम्मद खालिद ने बताया है कि अरमान और उसके दो दोस्त के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद अरमान को गोली मारकर उनके दोस्त मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। सर, एक्चुअली हुआ था कि कुछ हमारे ऑफिसर हैं नौसाद अली खान साहब, वो सर वहाँ पे कुछ लड़के जो स्टूडेंट हैं वो चाय पी के आ रहे थे, रोक लिया सर उनको। तो उनसे पूछताछ की, उनको सर चौकी ले आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा सर हम स्टूडेंट हैं और आप डायरेक्ट हमें यहाँ से उठा के नहीं ले आ सकते। सही तरह में उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया सर, मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने सर से बात की, इनके जो सर एडमिशन कार्ड मैंने उनको दिखवाया, तो उन्होंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं स्टूडेंट है। इतने में जैसे ही हमारे SI साहब वहाँ से चले आते हैं, उसकी 5-10 मिनट के अंदर थोड़ी बातें होती हैं, उसके बाद वो लोग फायरिंग शुरू करते हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई कि एमयू परिसर में एक गोली चली है, इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जांच की गई, इसमें तथ्य प्रकाश में आया है कि जिसको गोली लगी ये भी भारी व्यक्ति है और जिस लोगों ने गोली मारी वो भी भारी व्यक्ति है। घटना की सत्यता की भी जाँच की जा रही है और इसके आगे। वहीं रायबरेली में आक्रोशित परिवार वालों ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि 29 जुलाई की रात अंकुर चौधरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मौत का खुलासा न होने पर गुस्साए परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला है। अंकुर चौधरी की मौत के बाद पुलिस ने अभी तक किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला गया और न्याय की मांग की गई। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के संरक्षण में सुपरमार्केट से निकाली कैंडल मार्च शहीद चौक में जाकर समाप्त हुई है।
तो आपको बता दें कि ये कैंडल मार्च अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के द्वारा निकाला गया है और ये सुपरमार्केट से निकाला गया और इसका समापन शहीद चौक में जाकर हुआ है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए और हमारे ख्याल से उनको फांसी की सजा दी जाए। जो ऐसे नेक इंसानों को मार सकता हूँ, पता नहीं कितने लोगों का मामला ये है कि आज के साथ चौधरी के हत्याकांड को लेकर लोगों की नाराजगी आज सड़कों पर है। उसी के उपलक्ष्य में और इंसाफ को पाने के लिए आज पूरा जन समुदाय इकट्ठा हुआ है और जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में हत्याओं का निरंतर सिलसिला जारी है और इस पे शासन और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है, प्रदेश में हो रही है। रायबरेली जिले की लचर कानून व्यवस्था के चलते अपराधियों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। गुरबकगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने पुलिस के सामने असलहे लहराए हैं, वहीं पुलिस मूक दर्शक होकर बस देखती रही। आपको बता दें कि ईंट भट्टे में दो पार्टनरों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक पार्टनर और उसके समर्थकों द्वारा असलहे लहराए गए हैं। तो रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर दबंगों को अब पुलिस का कोई भी खौफ नहीं बचा है। यहां पर गुरबकगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने पुलिस के सामने असलहे लहराए हैं, वहीं पुलिस मूक दर्शक होकर बस देखती रही। बता दें कि ईंट भट्टे में दो पार्टनरों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पार्टनर और उनके समर्थक द्वारा असलहे लहराए गए हैं। वहीं शाहजहांपुर जनपद के कांटा थाना क्षेत्र के इंदेरपुर में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दबंगों ने लाठी डंडों से प्रहार कर वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडे लहराते हुए दबंगों का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं वृद्ध की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जलालाबाद शाहजहांपुर कांट रोड पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें कि गुस्साए परिजनों ने जलालाबाद शाहजहांपुर कांट रोड पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया और साथ में परिजनों की यह मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। नशे की हालत में दूसरे गांव के बाहर युवती पड़ी मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, वहीं नशे की हालत में दूसरे गांव के बाहर युवती मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना लालगंज क्षेत्र के बरी गांव के किनारे लगभग 5 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती नशे जैसे हालात में वहां पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां स्वयं उसने स्वीकार किया कि परिजनों से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया गया है। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जहाँ उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां परिजन उसके साथ मौके पर मौजूद हैं। अन्य सभी बिंदुओं की जांच कराई जा रही है। मैनपुरी के विकासखंड वेबर चंदनपुर गांव में पीडब्ल्यूडी द्वारा 8 मीटर चौड़ी और 1700 मीटर लंबी सड़क डाली जा रही है। ग्रामीणों के खेतों से ही ठेकेदार द्वारा मिट्टी का उठान होने से दोनों तरफ गहरी खाई बन गई है। इस सड़क में दोनों तरफ स्थित
किसानों के खेतों में कुछ हिस्सा जा रहा है, जिसकी वजह से मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। वहीं ठेकेदार द्वारा नेत्रहीन और ग्रामीणों के खेत में सड़क डाल दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि इस वजह से लगातार किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार द्वारा नेत्रहीन और ग्रामीणों के खेत में सड़क डाल दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुलंदशहर में खेत में काम कर रही महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला के शोर मचाने पर घटनास्थल पर ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई थी, वहीं पर एक अनकिस नाम का व्यक्ति आया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसको दराती से चोट मार दी, इसमें उसकी नाक पर चोट आई है। तो इस प्रार्थना पत्र को प्राप्त करने पर मुकदमा उपयुक्त धारा में पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अभियुक्त कार्य। तो बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर खेत में काम कर रही महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है और स्थानीय लोगों ने तत्काल इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।